स्वर्गीय पूर्व मंत्री शिव चरण लाल शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिव चरण लाल शर्मा को याद करते हुए उनके कामों को गिनाया। लोगों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी 75 पार का सपना देख रही है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है, हरियाणा में कुल सीटें 90 हैं, बीजेपी तो अपने आप को 110 सीटें भी मिलने का दावा कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे कांग्रेसी मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, इस बार फैसला जनता करेगी कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता इस सरकार की 5 साल की विफलता और हमारी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां तोलेगी। कांग्रेसियों के जेल जाने के मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि कोई भी काम राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं किया जाना चाहिए। तंवर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस में है वे सब मेरे साथ हैं। कार्यकर्ताओं को दिया संदेश का अपने बूथ मजबूत कर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने साथ ही कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अपने बूथ मजबूत कर चुनौतियों का सामना करें। जो हाईकमान ने फैसला किया उससे संतुष्ट है और पार्टी एक होकर अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी मान गया है, अब आपके साथ है अशोक तंवर का गुट, क्या जो भी कांग्रेस में सब मेरे साथ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 75 पार की बात कर रही है, उस स्थिति में अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है, आपका अनुभव पुराना है। देखिए, वो तो वो कुछ भी कहें, सीट 90 हैं, वो कह सकते हैं हम तो 110 पार करेंगे, कौन रोकेगा आपका। लेकिन फैसला तो हरियाणा की जनता ने करना कांग्रेस है, वो तोलेगी, वो तोलेगी इस 5 साल की सरकार की विफलताएं और हमारी सरकार की उपलब्धियां तोल के। अभी तक ये दिखाई दे रहा था आपके आपके चार्ज संभालने से पहले दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी, संगठन कहीं नजर नहीं आ रहा था, विरोध नजर आ रहा था, अब नजर आ गया ना।